एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रेडी? आप भी कर रेडी? चलो भाई। तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब? मैं हूं आपका अपना विलन ब्लॉग। तो तेरे भाई ने कर दी फिर से ब्लॉगिंग शुरू। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है। तो भाई ये जो ब्लॉग है ये इसलिए खास होने वाला है क्योंकि मैंने मेरी जो पुरानी वीडियो चोर बाजार वाली नहीं देखी, तो जाके देख करो यहाँ क्या कर रहे हो यार, जाओ जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस वीडियो को देख के आओ। उस वीडियो में मैंने दो तीन ऐसे कमेंट देखे थे जिसमें एक बंदे ने बोला था, भाई साहब ने मेरे को नाम शायद याद नहीं, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा और यहाँ पे कोई भी है, तो उन्होंने एक बंदे ने बोला था भाई मुझे जो तुमने पावर बैंक लिया उसका रिव्यू करके बताओ। मेरे को समझ ही नहीं आया भाई उसका रिव्यू कैसे करें। तो मेरे को नहीं उसका, चलो भाई की दिल रख के मैं उसका रिव्यू बना देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ ली थी मैंने जो यहाँ देख रहे हो आप, ये कुछ ये काला काला सा, इसका भी तुम म्यूजिक जो भी है वो चेक करके बताओ। उसका भी मैं जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे दे दूंगा, जो भाई से किसी बंदे ने तो कमेंट किया था। तो मैं आज इन दोनों का रिव्यू बनाने वाला हूँ और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को पूरी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाए बिना मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी डेली डेली वीडियोस लाता रहूँगा। 365 डे का चैलेंज जो तुम्हारे भाई ने ले रखा है, देखो फाइनली मैं चीज़ तो लेकर आ गया हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप का है, और ये क्या है क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल तो मैं अभी गुरमी से आया हूँ, फैन चल रहे हैं, पर ये कुत्तों की स्पीड में नहीं चल रही है, भेल भगड़े वाली स्पीड में चल रहे हैं, इतने धीरे क्योंकि ये तेज चलते हैं ना यार आवाज़ नहीं आती। फिलहाल तो चाय पीते हैं उसके बाद आगे दिखाते हैं। A few moments later. What's up guys, कैसे आप सब? शायद मैं दोबारा इंटर दे रहा हूँ उस चीज़ के लिए, सॉरी। तो मैंने कमेंट में देखा था कि दो बंदों ने या फिर तीन चार बंदों ने कमेंट करके बताया था कि भाई आपने जो चीज़ ली है वो चीज़ क्या है, और वैसे चीज़ क्या है वो तो बताने की जरूरत नहीं, आप थंबनेल पे देख के पता चल गया होगा आप लोगों को। उन्होंने ये कमेंट लिया था भाई इसका रिव्यू दो और आपने क्यों खरीदा है, ठीक है। तो कैमरामैन को मैं विनती करूँगा सर थोड़ा सामने आ जाइए और थोड़ा इस चीज़ पे फोकस कर दीजिए, हमें ये दिखाना है कॉन्टेंट हमारा आज का बेसिकली है। तो ये जो चीज़ मैंने लिया है ये है, देखो अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा थोड़ा ऊपर करो सिखाना पड़ रहा है भाई। देखो ये जो चीज़ है ये मैंने लिया था चोर बाजार से, ठीक है। और ये मेरे को कितने का पड़ा था अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो पहले देख के आओ उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो इसको रखते हैं साइड में और इसको भी रखते हैं साइड में क्योंकि ये जो चीज़ मिली थी मेरे को एक साथ मिली थी। और बात करते हैं इस चीज़ की, तो ये जो चीज़ है ये अनबॉक्सिंग तो काफ़ी दिन पहले ही हो गई थी, जब मेरी चोर बाजार की वीडियो बनी थी तभी मैं इसको ले आया था। और कैसे ले आया था सब आपको वहीं पर पता चल जाएगा चोर बाजार वाली वीडियो में। तो भाई वो बंदे कहते हैं इसका रिव्यू दो ये काम करता है या नहीं करता, तो उसका रिव्यू आज हम करके दिखाएंगे। तो भाई ये देखो ये है, मैं थोड़ा फाड़ के दिखाता हूँ, उसको पन्नी भी नहीं उतारना है, थोड़ा पास आओ कैमरा। ये देखो ये 2000 mAh के है, ठीक है, ये पावर बैंक है। और ये देखो लिखा भी पड़ा है यहाँ पे, दिख रहा है? नहीं। उसके बाद ये MI का है, ठीक है, ये कोई ऐसा फालतू नहीं है, MI का है मतलब कंपनी है MI, अगर आपको पता होगा लोग उसके फ़ोन बनते हैं। और ये जो चीज़ है ये है i12, उस देखो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये i12 का एयरबड्स है जो मेरे को जिसने मेरे को ये दिया है, मतलब उसका जो सेल्समैन है वो मेरे को कह रहा था भाई ये i12 का है, और वो मुझे बेच रहा था 3000 या 2500 के बीच में, पर मैं उससे काफ़ी सस्ते रेट में ले आया, एकदम मट्टी के भाव में ले आया, ठीक है, मैं तो ऐसा कुछ सौदा था। और ये बंदे कह रहे थे कि भाई ये वर्क करता भी है क्या, चोर बाजार का जो सामान है वो असलियत में काम करता है या नहीं करता। देखो मैं ले आया चोर बाजार की वीडियो को, आज 8 दिन होने वाले हैं, तो अभी तक तो इन्होंने मेरा साथ दिया है, ठीक है, और आगे कब तक देंगे ये आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी बंदों का कमेंट आया था भाई इसका रिव्यू करके बताओ ये वर्किंग है क्या, हम जिस चीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है। तो आपकी जो सोच है वो करोड़ों गुना अच्छी है, सही कह रहे हो आप, तो थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा माइक नहीं है हमारे पास। तो ये अबे साले तभी इधर आके देखो, ये देखो एक सेकंड ना, ये देख सकते हो आप लाइट जल रही है, ठीक है, ये देखो ये पूरा कनेक्ट है इससे। और ये देखो 2000 mAh की पूरी डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम वहाँ पे मिलता है, देखो चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है अगर आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपके पास नॉलेज है ना अच्छी खासी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सामान मिलता है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, अच्छी अच्छी चीज़ों की नॉलेज है, तो वहाँ पर ओरिजिनल माल भी आप वहाँ से ले सकते हो काफ़ी मट्टी के भाव में, ठीक है, चीप प्राइस में वहाँ से ले सकते हो।
ये जो चीज पड़ी मेरे को, ये चीज मेरे को बेच रहा था बंदा 600 या 700 रुपए में, मैं उसको आधे प्राइस में लिया है सिर्फ ये चीज, ये सफेद डब्बा, ठीक है, पावर बैंक कहते हैं इसे। और ये जो चीज पड़ी आपको तो बताइए कितनी की पड़ी। तो ये जो चीज है गाइस, ये एकदम अच्छी चीज है देखो। और मैंने ये चीज इसलिए ली क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग में, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है। और ब्लॉगिंग में क्या सिस्टम होता है कि अभी तो मेरे पास कैमरा नहीं है, जो है नॉर्मल जो इसी से बना दो, उसमें क्या है बैटरी कभी भी खत्म हो जाती है। मान लो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे हो और करते करते अचानक से आपकी बैटरी, आप देखो कि हाँ भैया बैटरी खत्म होने वाली है, मेरे को वो शॉट लेना था और मैं कैसे लूंगा, तो उस टाइम की चीज है ना ये कि बहुत काम आती है। सही बात है। अभी मैंने ये ली है और ये काफी हेल्पफुल भी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मेरे को ब्लॉगिंग में जरूरत पड़ जाती है, तो मैं इसको कनेक्ट करके ऐसे इसकी जगह फोन लगा के अपना यूं करके आराम से ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इससे मेरे को बैटरी की तो कोई इशू ही नहीं आएगी, जो है कि मेमोरी भी आएगी। अब वो तो आपकी टेंशन, मेमोरी कार्ड भी खरीद लेना, 50-50 रुपए में मिल जाती है, तो वो ऐसा सौदा है वहाँ पे। इसलिए मैंने ये ही लिया है क्योंकि ये मेरे आने वाले काफी ब्लॉग में काफी काम आने वाली चीज़ें। और दूसरा ये है कि ये मैंने इसलिए लिया, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं लिया, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हेडफोन होता है, मैं उसको इस तरीके से करूंगा तो ये वायर भी लंबी जाती है ना, ये कनेक्ट करते हैं उसको कानों पे लग जाए तब वो काफ़ी बेकार लगता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ लिया है। ये क्या अपने कान में डालो, मास्क तो वैसे लगा पड़ा है, गिरने के तो कोई डर है नहीं, तो फिर इसको कान में डालो, अगर कॉल भी है तो दूर दूर से वायरलेस पर ये आराम से चलते रहो। और इसमें क्या है, दूसरा फायदा इसमें ये है कि इसमें माइक एकदम सामने होते हैं, अगर आप फोन दूर भी होगा ना आपका तो इससे भी काफ़ी अच्छी जो वॉइस है रिकॉर्ड हो जाती है, तो अच्छा होता है ये कॉल करने के लिए, वायर का झंझट तो खत्म। बट मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, इसको पहन के कभी स्कूटी या बाइक में गेड़ी मत मारो क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होते हैं, अगर एक बार गिर गए तो आपका पैसा बर्बाद, पहन चो तो वही सीन है। इसको पहन के गेड़ी मत मारो, रनिंग कर सकते हो बट एक लिमिट पर रनिंग कर सकते हो। अगर आपको शो ऑफ करना है, लोगों को दिखाना है, तो आपके काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मैं यहाँ पर शो कर दूंगा, काफ़ी इतने अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं हेडफोन के, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना होगा तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। और ये कोई वो नहीं है, ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिस्टम में मिल जाता है। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक का था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि चोर बाजार में कैसा सामान मिलता है। बाय द वे आज मैंने गर्ल शर्ट पहनी है, ये मेरी स्कूल की शर्ट है, ये व्हाइट कलर की शर्ट थी, इसको मैं ब्लैक करना चाह रहा था और ये वैसे सिल्वर या फिर ग्रे कलर में हो गई, पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता, तो ऐसा कुछ हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।